हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट हो गया थोड़ा स्टार्ट करने में, 2 बज गए हैं। सो गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होगे और अच्छा कर रहे होगे। वो जो मेरा वीडियो था ना, करोल बाग वाला मॉडिफिकेशन वीडियो, उस पर लाइक व्यूज अच्छे जा रहे हैं, डेली व्यूज आ रहे हैं। और एक मैंने वीडियो बनाया था ये नोएडा टू बिहार वाला, जो मैंने सीरीज आप लोगों को बोला था, उसका एपिसोड मैंने बनाया था, उस पर भी अच्छा व्यू जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही आप लोग चैनल को शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और व्यूज ऐसे ही आते रहे। और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए आते हो, जो भी नए व्यूवर्स हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को हिट कर दिया करो एंड वीडियोज को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। यार मुझे कमेंट चाहिए, मेरे वीडियोज में आप लोग जितना कमेंट कर सकते करो, मैं पर्सनली आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा। या तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं या फिर पर्सनल वीडियो बनाऊं, उस पर मैं Q&A एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं आप लोगों को हर कमेंट का जवाब रिप्लाई दूंगा। अभी टाइम है बिग बॉस OTT, तो एल्विस भाई का सिस्टम देखना है। अभी मैंने देखा नहीं था कल, तो वो देखता हूँ। ओ भाई, ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। मैंने फ्लिपकार्ट से ये कुछ ऑर्डर किया था ट्रिप से रिलेटेड, जो अभी अपना नेक्स्ट अपकमिंग ट्रिप होने वाला है। इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसमें क्या है। और ये मतलब बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है, बहुत सही चीज़ है, बाइक में माउंट करके ले जाना सही रहेगा। पहले इसको मैं खोलता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये है मोबाइल होल्डर जो बाइक पे मैं अभी मेरे बाइक पे लगा हुआ है पहले से, बट वो ना जो लुकिंग मिरर होता है उससे कनेक्टेड है, बट मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था जो जो हैंडल बार होता है उस पर इसको माउंट करना है। ये मतलब ट्रिप पे जाऊंगा तो मतलब इससे ना एक अपना फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग पोर्ट भी है और कैमरा, एक्शन कैमरा वैमरा कुछ भी चार्ज करना होगा तो वो इसमें हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और ये इस बॉक्स में आए हैं और ये रहा, और इसके साथ 2 स्क्रू है और स्क्रू ड्राइवर है और ये कुछ मैनुअल। नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी, ये लोग पक्का, ये जितने भी टीवी सीरियल्स वाले हैं ना, अविनाश हुआ, फलक हुई, जिया, ये लोग पक्का अपने एलवी साहब को नॉमिनेट करेंगे ही करेंगे। अभी देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, कितने अच्छे हैं और कितना इनमें इंसानियत है वो देखते हैं। वैसे तो एल्विस ने सबका सिस्टम फाड़ रखा है, एल्विस ने सिस्टम जाम कर दिया। अगर ऐसे बोले तो एल्विस ने बिग बॉस का ही सिस्टम हैंग कर लिया है। मस्त बोला, ले ले बच गया। एल्विस को नॉमिनेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका फटा पड़ा है एल्विस से। एल्विस इस घर में अभी सबसे हेवी कॉम्पिटिटर है, लाइक आया है वाइल्ड कार्ड, बट सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसके पास है और सबका बैंड बजाने वाला है एल्विस। ये हाउस जितने भी घर में लोग हैं ना, सबको पता है। पहले से ये माउंट लगा हुआ है ये मोबाइल होल्डर, तो इसको यहाँ से मैं निकाल के हटाने वाला हूँ, क्योंकि इसके वजह से ना ये अपना जो लुकिंग मिरर है ये लूज हो जाता है। तो ये जो नया वाला मैंने मंगाया है, इसको अभी यहाँ पे मैं माउंट करूँगा ताकि फ़ोन पूरा ऐसे लग जाए और कोई दिक्कत ना है। सामने मीटर के बिल्कुल नीचे मैं नेविगेशन कर सकता हूँ, सामने में देख सकता हूँ। तो चलो फटाफट इसको लगाते हैं। मैंने ये लगा दिया यहाँ पे माउंट, फ़ोन यहाँ पे ऐसे लग जाएगा बिल्कुल मीटर के सामने। और ये वाला जो था ना, यहाँ से निकाल दिया, बार बार मिरर ना ये ढीला हो जाता था और चलते जैसे विंड ब्लास्ट आता था ना तो मिरर घूम जाता था, तो इस वजह से मुझे था कि वहाँ से निकाल के मैं यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे बिल्कुल सामने में हो जाएगा अपना नेविगेशन, बिल्कुल मीटर स्पीडोमीटर के नीचे, और फिर ट्रैवलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा बाइक चलाने में। तो चलो फिर चलते हैं, अभी एक जगह जाना है मुझे और अभी आप लोग इन्जॉय करोगे मोटो ब्लॉगिंग। चलो चलते हैं, आप लोग इन्जॉय करो मोटो ब्लॉगिंग। फ्यूल भी लेना है, फ्यूल अप कराना है, फ्यूल अप कराते हैं पहले। लो फ्यूल लेवल आ रहा है और ये सर्विस वाला रिमाइंडर मैंने अभी तक हटाया नहीं है। सो चलो निकलते हैं सोसाइटी से बाहर और चलते हैं फटाफट हम लोग। फ्यूल लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं लो फ्यूल मोड पे बाइक ड्राइव नहीं करता। अबे चंपू, ये
एक राइड पे निकलना है मुझे, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ ना एक और एंगल लगा दूँ कैमरे पे बाइक पे, वो एंगल भी सूट होते रहेगा, और दो तीन एंगल से अगर कैमरा होता है ना तो बहुत सही लगता है, ब्लॉग में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। फुल कर दो भैया। कैसे क्या है? स्कैनर देना, स्कैनर। टाइम हाँ ठीक है डालो, अभी फूल नहीं हुआ है। हाँ रहने दो रहने दो रहने दो, हो गया हो गया हो गया हो गया, जाएगा कहाँ अब, बाहर थोड़ी गिराना है। थैंक यू भैया। अबे टोपे सो अपना फ्यूल टैंक तो फुल हो गया है, ये सर्विस वाला रिमाइंडर यार रिसेट करना भूल जा रहा हूँ मैं, तो फटाफट भगाते हैं और चलते हैं। रेड लाइट है यहाँ पे सामने 92 सेकंड्स का, तो रेड लाइट ख़त्म हो उसके बाद चलते हैं। यार गर्मी हो रही है बाहर में, घर में ही सही था, मस्त एसी में बैठ के बिग बॉस वीकेंड का वार चल रहा था, बिग बॉस ही सही था। कोई नहीं यार, मेरे को लग रहा है पता नहीं कैमरा एंगल कैसा होगा, सही आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, इसमें देख के तो लग रहा है मिरर में कि सही ही आ रहा होगा, आई डोंट नो कितना सही आ रहा होगा, जो भी हो सही आ जाए। यार यार इतना लंबा ट्रैफिक क्यों बंद करते हैं, वो देखो ठुल्ले को मस्त फ़ोन में लगा हुआ है अपना, कोई मतलब ही नहीं है ठुल्ले को, कोई नहीं अपन को क्या है, ट्रैफिक व्राफिक तो तोड़ना नहीं है, अपना सिस्टम यही है। राइट हैंड साइड में इस्कॉन टेम्पल है, कैसी उतन लेके सामने इस्कॉन टेम्पल है, फिलहाल तो अपनी धनों भागेगी और पीछे वाले सिर्फ देखेंगे, चल धनों अब बताऊंगा मैं सबको। ओ भाई ओ भाई, धन ऑन फायर मैन, धन ऑन फायर, भगाते हैं सौ से ज्यादा नहीं, सौ से ज्यादा नहीं। घर पे मम्मी भी वीडियो देखती है, पापा भी देखते हैं, बोलेंगे बेटा बाइक बेचो भाई, अब नहीं चलाना तेरे को बाइक, बहुत भगा रहा है तू। कोई नहीं, एक बार मम्मी पापा सॉरी, एक बार भगा के देखते हैं, मस्त ज्यादा नहीं भगा रहा, देख लो आप लोग सौ पे ही तो है, और आप लोगों को पता है ये बाइक कितनी भागती है, ये अमराज फेवरेट बाइक। बट मैं कोई नहीं, मैं इसको कंट्रोल में रखता हूँ बिल्कुल। पूरा रोड खराब हो गया यार बारिश की वजह से। ओ भाई सामने ट्रैफिक, यार बाइक से भी ट्रैफिक फील होगा क्या मुझे, ऐसे निकलेंगे यार
और ये तो बैरिकेडिंग लगा के ना पुलिस वाले और ट्रैफिक करा दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ ही जाएंगे कहाँ ही जाएंगे। बट ये सही है, बैरिकेडिंग यहाँ से घूम जाते होंगे लोग। देखो ये पिकअप वाले को चूल में है, वो नहीं भागेगा ना, नहीं घूमेगा ना तो मोक्ष नहीं मिलेगा उसे। रूल ब्रेक क्यों करते हैं लोग, रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। एक बार ना मैं इस बाइक को 145-150 भगाया था और उस टाइम ऐसा लग रहा था ना बस रॉकेट जैसी भागे जा रही है। जस्ट किडिंग, झूठ बोल रहा हूँ, इतना मैंने कभी नहीं भगाया है, 100-110 ही चलाया हूँ, वो भी तब जब मुझे बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेट हो जाता था कॉलेज जाने में, ऐसे मैं तेज नहीं चलाता। अबे यार होली सीट, सही में सीट है यार। ये बस वालों से ना मेरी, सही में मैं बता रहा हूँ, मेरी फटती है। एक तो पीछे से इतना ज़्यादा हीट, और ये कहीं भी घुमा देते हैं, टर्न कर देते हैं, कहीं भी रोक देते हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता यार। वेंट ऑन टॉप, फैन ऑन हो गया भाई, क्या हीट मार दी। रोड की कंडीशन देख लो एक बार, बारिश ने जो करा दिया, बारिश पानी लगने के बाद क्या हो गया ये। वैसे नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सही है, मैं ये बोलूँगा, पानी बारिश की पानी रुकती नहीं थी, तुरंत तुरंत निकल जाती थी। ट्रैफिक ही ट्रैफिक ही है, सिर्फ ट्रैफिक है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये लंबा दूर तक ट्रैफिक है, फोकस्ड ट्रैफिक। ओ ट्रैफिक तोड़ भी रहे हैं लोग, मैं तो नहीं तोड़ता ट्रैफिक, ट्रैफिक अपने सिस्टम में ये नहीं है। ये रहा सामने नोएडा भवन का बिल्डिंग, वो और इस साइड में है नोएडा भवन के सामने जो मैं वड़ा पाव खाता हूँ, इधर अच्छा सा बिल्डिंग है, और इस साइड में है स्टेलर, पीछे रह गया वो, पीछे से कट जाता है उधर ही स्टेलर, उधर भी खाने पीने का सही है, उधर भी वड़ा पाव मिलता है, उधर चीज़ मैगी बहुत अच्छा मिलता है। जस्ट चिल। सो ये रहा अपना लेफ्ट हैंड साइड में कॉलेज, यहीं से मैं अपना MBA कंप्लीट किया हूँ। सही है यार, बहुत सही है, मैं रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। हॉस्टल गर्ल्स नहीं, गर्ल्स हॉस्टल मत रहना, गर्ल्स हॉस्टल का रिव्यू बहुत ख़राब है। आएंगे ये मैं हमेशा खाता हूँ यहाँ से जब भी क्रॉस करता हूँ। दे देना भैया 2 प्लेट, कितने का 1 प्लेट दे देना। लोगों को अगर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा ड्यूक 250 का रिव्यू वीडियो, कि जैसे मेरा मैंने 16,000 किलोमीटर चला लिया है, तो आप लोग अगर जानना होगा कंप्लीट इसके बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा मेरा क्या ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा, ये सब मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्योंकि 2 साल होने को है मेरे इस बाइक को। मैं आप लोगों को एक जेन्युइन रिव्यू दे दूंगा एज अ राइडर, एज अ कस्टमर। सामने देखो पूरा पानी भरा पड़ा है, वो पूरा पानी भरा हुआ है सामने, वो आई थिंक ये रेन मोटर तो नहीं हो सकता क्योंकि धूप इतना तेज़ हो रहा है, तो पक्का सप्लाई का ना कहीं पाइप टूट गया होगा तो वहीं है वो। हाँ, रेन मोटर नहीं, एक ही साइड में कैसे लगा है, वो सप्लाई वाला ही है। वो सामने रहा अपने साया का बिल्डिंग। अरे यार इतना ढेर भी ट्रैफिक में फंस गए हैं। ये रहा सामने सिपरा मॉल इन इंद्रपुरम।
बहुत पुराना मॉल है ये, बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड भी है। हाँ ये रहा सिप्रा मॉल, ये रहा इंदिरापुरम। बहुत दिनों बाद सिप्रा मॉल में जा रहा हूँ मैं अंदर, इधर पार्किंग। आज मैं बाइक से आया हूँ बहुत दिनों बाद। सो गाइस अभी जा रहा हूँ मिस्टर DIY स्टोर, ये सामने। इसमें घर के लिए कुछ लेना है, कुछ लेना है, तो चलो चलते हैं अंदर, मिलते हैं आप लोग से अंदर। ये रहा, और इधर बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ। ये है DIY स्टोर, यहाँ पे ना हाउस होल्ड के लिए सब चीज़ मिल जाता है, ईच एंड एवरी थिंग, जो भी आपको चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है स्टोर में ना हो, वरना सब चीज़ मिल जाए, छोटा छोटा बैग्स है यहाँ पे। तो अभी मैं मुझे जो भी शॉपिंग करना है वो करते हैं। गाइज जो भी चाहिए हाउस होल्ड से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, तो सब चीज़ इधर अवेलेबल है, सब चीज़ है यहाँ पे। कंप्लीट चीज़ मिलेगा आप लोगों को घर से रिलेटेड, जो भी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग है, सारा सिस्टम एक जगह मिल जाएगा आप लोगों को। हो गया, जो भी लेना था मैंने ले लिया, और ली एक दो चीज़, वो मुझे मिला नहीं, रे स्टॉक हुआ तो मिल जाएगा। अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से सिप्रा मॉल से, अब जा रहा हूँ मैं वापस सेक्टर 62। तो यहाँ पे जो भी लेना था वो ले लिया। घर चलते हैं और आप लोगों से डायरेक्ट घर पे ही मिलते हैं अब।